हेलो फ्रेंड, नमस्ते। रसोई मम्मी जी में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अभी, तो देखिए इसके लिए पहले मैं ये चाय का पानी चढ़ा दिया है। मैं इसके अंदर चाय की पत्ती डाल रही हूँ, तो ये चाय की पत्ती एक गैस पर चाय हो रही है और दूसरी गैस जला दी है मैंने। इसके ऊपर मैं ये मेरे पास देखिए, ये बहुत दिनों से ये मलाई इकट्ठी हो गई है, तो मैं इसका डायरेक्ट घी बना रही हूँ। वैसे मैं मिक्सी में भी ये चर्न करके बनाती हूँ, लेकिन मैं आज डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ब्रश से इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है। थोड़ा सा घी लगाने से क्या होता है कि अपन जो घी बनाएंगे वो चिपकेगा नहीं, तली में लगेगा नहीं। अब मैं इसके अंदर ये घी बनाने के लिए मलाई, सारी मलाई डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं सारी मलाई इस तरीके से डाल रही हूँ। देखिए कितनी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है, इतने दिन से टाइम ही नहीं मिला फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी मलाई डाल ली और ये नॉन स्टिक पॉट है, इसमें क्या है कि नीचे लगेगी नहीं हमेशा। मैं नॉन स्टिक पॉट में ही मलाई डाल के और घी बनाती हूँ। तो अभी ये घी बन रहा है, जब तक हमारी ये चाय हो रही है फ्रेंड्स। और मैं अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, ये मेरे पास दाल है बची हुई, ये उड़द और मूंग की दाल है, दोनों मिक्स है, तो मैं इसकी पूरी बनाऊंगी। तो अभी मैं आटा इसका लगा लेती हूँ। घी को इस तरीके से हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे। ये चाय बॉईल हो गई है फ्रेंड्स, तो ये गैस बंद कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड स्टील के ग्लास में चाय लेते हैं, तो मैं उसी में दे रही हूँ। तो ये चाय अभी मैं उनको देके आती हूँ, जब तक मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैं आटा गूंद रही हूँ। मैंने आपको बताई थी ये मैंने दाल ली है, मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों शामिल है, तो मैं इसकी अभी पूड़ी बनाऊंगी। इसके अंदर मैं ये नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और मिर्च भी थोड़ी, और थोड़ा सा ये गरम मसाला, इन सबको मिला के मैं अभी आटा गूंदूंगी, जब तक मैं चाय देके आ जाती हूँ अपने हस्बैंड को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी भी बन रहा है, एकदम धीरे आंच कर दी है मैंने, और ये घी ताकि जलेगा नहीं, नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जब तक मैं ये आटा गूंद लेती हूँ, आटे में थोड़ा सा मैं फिर ऐसे घी भी डाल रही हूँ, और सिर्फ मैं दाल से ही गूंदूंगी आटा। आटा बिल्कुल टाइट लगाना है। तो ये उड़द की दाल और मूंग की दाल रात को बची हुई थी, तो मैं उसी का ही ब्रेकफास्ट में पूड़ी बना रही हूँ। कोई आप कोई भी दाल ले सकते हैं। और इसमें ये सारे मसाले डाल के, अगर आपको लगे थोड़ा लूज हो गया है आटा, तो थोड़ा सा सूखा आटा और डाल लीजिए। इस तरह से मैं अभी आटा लगा के आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आटा गूंद गया है और मैंने टाइट टाइट गूंद लिया है। अब मैं इस घी को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दी, और ये कढ़ाई पूरी फ्राई
फ्राई करने के लिए मैं रख रही हूँ। तो अभी हम पूड़िया बनाएंगे। ये घी को भी बीच बीच में मैं संभालती जाऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी इसको होने में थोड़ा सा टाइम है और गैस धीरे कर रखी है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी भी अलग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आप देख सकते हैं बनने लग गया। अब ये स्टार्ट हो गया है, जब तक हम पूरी निकाल लेते हैं। ये आटा गूंदा हुआ है, इसकी मैं छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ। पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। ये तेल गरम हो गया है, ये ऑयल गरम करने रख दिया है और ये ऊपर आ गया है आटा, इसका मतलब तेल गरम हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी इस तरह से ये छोटी छोटी लोई बनाऊंगी, इस तरीके से लोई बना के अभी रख लेती हूँ। और इसकी हम पूड़ी बनाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी पूड़ी बनाऊंगी फ्रेंड्स, थोड़ी मोटी सी बनाएंगे ताकि ये फूल जाए और इस प्लेट में डाल के रहेंगे। फिर इस तरह से सभी पूड़ी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी दाल की पूड़ियाँ बन गई है, बिल गई है और अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं एक एक पूड़ी इसमें डाल दूंगी। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, और ये घी में भी ये देखिए आप बबल्स आ गए हैं खूब सारे, और ये घी भी अब अलग होने लगा है फ्रेंड। ये पूड़ी भी अच्छी बन रही है। नैपकिन पेपर से निकाल लेती हूँ। ये ब्रेकफास्ट पर दाल की पूरी बहुत मस्त लगती है फ्रेंड्स। गैस धीरे करी हुई है मैंने, आप देखिए एकदम धीरे गैस पे होती है। और मैं इसे टिश्यू पेपर पे निकालती रहूँगी। ये हमारे घी भी अलग होने लगा है फ्रेंड्स, देखिए आप। थोड़ी गैस धीरे रखेंगे तभी ये पूरी क्रिस्पी होगी। और ब्रेकफास्ट में कभी भी आप नाश्ते में आप सर्व कीजिए, खाइए, आपको बहुत लगेगी। कोई भी दाल वगैरह बच जाती है ना फ्रेंड, तो मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट में पूड़ी पराठा कुछ भी बना सकते हैं। गैस धीरे हो गई, थोड़ी सी तेज कर लेते हैं। अब जब तक हमारा ये घी हो गया है, ये देखिए सारा घी निकल आया है। अब ये पॉट ठंडा होएगा तब मैं इसमें से घी छान लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं जलाएंगे हम। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, घी वाली गैस बंद करती है।
क्रिस्पी हो गई है हमारी, थोड़ी गैस धीरे में मैंने ये दाल की पूड़ी बनाई है, तो ब्रेकफास्ट में बहुत मस्त लगती है फ्रेंड। टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लेती हूँ और अभी आपको मैं सर्व करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये धनिया की चटनी है, हरे धनिया की चटनी, और ये पुदीने की चटनी, ये दोनों चटनियाँ मेरी बहुत फेवरेट हैं। और पुदीने की चटनी खट्टी मीठी है, इसको कैरी के साथ बनाई है मैंने, और धनिया की चटनी को दही के साथ बनाई है, तो ये मेरी बहुत फेवरेट है चटनी। इसके साथ ये पूड़ी क्रंची क्रंची इतनी मस्त लगती है फ्रेंड्स, ये दाल की पूड़ी आप भी खाइए, खिलाइए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है अभी, घी मैंने ठंडा होने के लिए रखा था ना आपके सामने, अभी बनाया था, तो मैं इसे इस तरीके से छान लेती हूँ। ये सारा इस तरीके से, ये देखिए ये घी आ गया है, और ये सारा मैंने छान लिया, देखिए कितना सारा घी निकल गया इतने दिन की मलाई से, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से निकाल लेंगे, और ये जल्दी को थोड़ी देर और मैं रखा रहने दूंगी तो नीचे थोड़ा सा घी और निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने घी भी बना लिया, कितना अच्छा बन गया है घी, और पूड़ी भी बना ली, दाल की पूड़ी भी बना ली, तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। दाल की पूड़ी के साथ मैंने चटनी और वो सर्व की थी, और ये घी अलग से बना लिया ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, मलाई इकट्ठी हो गई थी ना इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये दाल पूड़ी और चटनी के साथ सर्व की है ये रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।